नमस्कार। साहित्य के रंग शैलजा के संग में आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत। कुछ दिनों के बाद आज हम फिर यहाँ उपस्थित हुए हैं और एक बेहद ख़ास मेहमान के साथ एक बेहद नए तरीके की बातचीत में आज आपको शामिल कर रहे हैं। आज की बातचीत में सांस्कृतिक सफ़र मानुषी के साथ की मानुषी जी भी हमारे साथ हैं और मैं तो हूँ ही, और साथ ही हमारे जो विश्व प्रसिद्ध भारत से आए हुए शायर, कवि, पत्रकार और आप सबके बेहद बेहद पसंदीदा श्री आलोक श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। आलोक जी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैलजा जी। और मानुषी जी का भी स्वागत करती हूँ और हम दोनों आपका स्वागत करते हैं जी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और टैग टीवी का भी बहुत धन्यवाद जी, आपने जी। आज मुझे यहाँ बुलाया। तो मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत अपने स्वागत की इन पंक्तियों से करना चाहती हूँ कि आप आए बर्फ की चादर लपेटे, क्योंकि कल ही स्नो हुई है यहाँ पर, बरसात के पहली स्नो। आप आए बर्फ की चादर लपेटे, रास्तों पर फूल बिखरे, धूप आँखों में छिपाए, हम खड़े स्वागत में मित्र, शब्द गंधी तृष्णा जगाए, आप आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सांझ ऐसी आज जिसमें आलोक का आलोक जगमग, सांझ ऐसी आज जिसमें आलोक का आलोक जगमग, गजल कविता शायरी से आज ये भूलोक जगमग, आज ये भूलोक जगमग, साज मन के मिल रहे हैं, भाव अनुपम आप लाए, आप आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर कविता। और शैलजा, कल ही आलोक जी हमारे कार्यक्रम में थे। हाँ, यहाँ पर कल ही तो आप पहुँचे जी, तो उन्होंने ये जो आपने जो कविता पढ़ी और कल का कार्यक्रम इतना ज्यादा अच्छा रहा, तो उसके लिए भी हम बधाई देते हैं आपको। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। और आप तो पूरी मतलब पूरा आप साउथ अमेरिका और अमेरिका घूम रहे हैं, बहुत सारे देशों में आप घूम चुके हैं, इस समय आप टूर पे निकले हुए हैं, तो कुछ आपने इस समय शहर कवर कर लिए हैं अमेरिका के। हाँ जी, ये अलीगढ़ एलुमनाई एसोसिएशन के मुशायरे हैं। अच्छा, अच्छा। अमेरिका के 10-12 शहरों में हैं, जिनमें से करीब 4-5 शहरों में हो चुके हैं। अच्छा। मुझे बहुत खुशी है कि इस सफ़र में जो हमारे सीनियर हैं और हमारा गुरूर हैं हिंदुस्तानी इल्म और फिल्म का, जावेद अख्तर साहब हैं, अमरीन हसीब अंबर साहिबा हैं और तीसरे पोइट के तौर पर मैं हूँ हिंदुस्तान से, तो बहुत अच्छा। एक अमेरिका पहली बार आया था 2006 में, उसके बाद बार बार आता रहा। ये भी पांचवा या छठा ट्रिप है अमेरिका का, लेकिन चूंकि एक बड़ी लेजेंडरी पर्सनैलिटी के साथ जब आप सफ़र करते हैं, और हमारे यहाँ कहा जाता है कि किसी को समझने और या किसी से सीखने के लिए या तो आप उसके साथ यात्रा करें या आप उसके साथ भोजन करें, तो ये हमारे शास्त्रों में भी कहा गया। तो जावेद अख्तर साहब के साथ एक बहुत ही यादगार, खूबसूरत और सबसे ज़रूरी, जो मेरे जैसे नए लिखने वालों के लिए एक प्रिविलेज है, वो ये कि सीखने का बहुत मौका मिलता है। तो टीचिंग जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि कोई टीचर की तरह आपको सिखा रहा है, कोई अपने तजुर्बात आपको बता रहा है, कोई आपको अपने अनुभव बता रहा है, कोई कौन सा गीत कैसे बना, किस तरह उन्होंने उसकी परिकल्पना की, ये सब चीज़ें सीखते हैं। तो सफ़र बहुत होते हैं, लेकिन ये बहैसियत नौजवान शायर कवि के मेरे लिए इसलिए बहुत अहम सफ़र है कि मैं जावेद अख्तर साहब के साथ मुशायरे पढ़ रहा हूँ। आपने अपने आप को नौजवान शायर कहा, वो तो सही बात है, लेकिन नया शायर नहीं कह सकते, क्योंकि आप बहुत प्रतिष्ठित शायर हैं। आपकी दो किताबें आ चुकी हैं, आमीन आपकी कविताओं का संकलन और आफरीन आपकी कहानियों का संकलन। आप पिछले 30 साल से लगभग लिख रहे हैं, आपको मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिल चुका है। नामवर सिंह जी आपको आधुनिक समय का दुष्यंत कुमार की परंपरा से जोड़ते हुए आपको आगे बढ़ाते हैं। तो जो कवि और शायर इतना सब कुछ नाम और ख्याति प्राप्त कर चुका हो, जो इतना कुछ लिख चुका हो कि जिसकी गज़लें और जिसके गीत बहुत बड़े बड़े लोग गा चुके हैं, पंकज उधास जी, जगजीत सिंह जी, अमिताभ बच्चन जी ने जिसको गीतों को आवाज़ दी हो, और शुभा मुद्गल जी ने जिसके स्वरों को जिसकी कविता को अपने स्वरों में गाया हो, तो ऐसे व्यक्ति को नया तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, वो नया मैं इस सिलसिले में ख़ुद को मानता हूँ कि हर वो शख्स या हर वो रचनाकार या हर वो फनकार
जो अपने आप को सीखने के प्रोसेस में मानता है जी, वो नया है। और कोई अपने आप को माने ना माने लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मैं हर वक्त सीख रहा हूँ, हर वक्त मैं सीखना चाहता हूँ। बहुत दूसरी बात होती है, नया क्यों मानना चाहिए अपने आप को? नए मानने से ये भी है कि आप एक नए थॉट्स के साथ हैं, आप एक नए फ्लेवर के साथ हैं, आप इतना कुछ कहा जा चुका है ना कि हाँ। अगर आप ये सोचें कि जो आप कह रहे हैं वही नादिर है, दुर्लभ है और वही परिपक्व है, तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी आपकी खुशकिस्मती भी है और बहुत बड़ी आपकी गलतफहमी भी है, ठीक है जी। तो इसलिए नया में अपने आप को यूँ इन सब के सामने, मतलब मेरी जो उम्र है जावेद साहब तो जी, उतना जी। वक्त लिखते हुए कहते हुए हो गया होगा, और भी जो मेरे सीनियर्स हैं, मेरे गुरु, मुझे सिखाने वाले, ये सब इतना कुछ कर गए, पूरे हमारे क्लासिक्स अगर हम पीछे जाकर लिटरेचर को पढ़ लें हाँ, तो हमको ये लगेगा कि हमें अपना कलम तोड़ देना चाहिए। सही बात। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि हम लोग तो नौसिखिए हैं अभी ये तो डॉक्टर बशीर बद्र का एक शेर है कि अल्लाह ने नवाज दिया है तो खुश रहो, अल्लाह ने नवाज दिया है तो खुश रहो, तुम क्या समझ रहे हो, ये शोहरत गजल से है। क्या बात, तो मुझे ये लगता है कि एक फनकार के ऊपर रहमतें भी होती हैं, उसकी अपने बड़ों की ब्लेसिंग्स भी होती हैं, जो कि मैं बहुत मानता हूँ इस बात को कि मैं जो कुछ हूँ वो मेरे पेरेंट्स के जो भी उनकी अपब्रिंगिंग रही, उनका जो शेल्टर रहा, जितना भी कम साथ मिला मुझे उनका, और मेरे जो सारे सीनियर्स हैं उन्होंने जिस तरह से मुझे सिखाया समझाया, तो मुझे लगता है कि वो मेरे डीएनए में है, इसलिए मैं नया हूँ और सीख रहा हूँ। आपका ये बहुत ही आपकी विनम्रता है कि आप इस तरह से कह रहे हैं। मेरा एक सवाल छोटा सा ये कि आज जैसा हम देखते हैं कि लोगों को बच्चों से लेकर कुछ उम्र से वहाँ जिस मकाम की आप बात कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचने से पहले ही लोगों को किताबें छपवाने का होड़ और बहुत ज़्यादा मंच पर आने की जो होड़ है वो लगी हुई है, और सिर्फ ऐसा ही नहीं है बल्कि लोग बहुत जल्दी बहुत कुछ पा लेना चाहते हैं, नाम पा लेना चाहते हैं। मगर आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? एक अब गुरु शिष्य परंपरा की बात पुरानी हो गई है, लेकिन आज आप जैसे सीखने की बात कर रहे हैं, हम किसी से भी सीख सकते हैं, लेकिन उसमें आपको क्या लगता है कि ये होड़ सही है या नहीं है? ये जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स होते हैं इतने सारे, जहाँ पर रियलिटी शोज़ होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे कलाकार, बहुत अच्छे अच्छे लेखक आ भी जाते हैं, मगर कितना सही होता है, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं जिस तहजीब से आता हूँ, मैं जिस परंपरा से आता हूँ, उसमें सीखना और साधना करना और रियाज करना, ये परंपराएं रही हैं। तो और मेरा अपना भी ये मानना है, मेरा अपना अकीदा है, मेरा अपना भरोसा विश्वास है कि कोई भी आर्ट हो शॉर्टकट नहीं हो सकता उसमें, ठीक है ना? किसी भी आर्ट में, चाहे आप सिंगर हो, चाहे आप क्लासिकल वोकलिस्ट हो, आप कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो, आप कुछ लिखते हो, ये सब ना रियाज मांगते हैं। इतने बड़े बड़े जो क्लासिक्स हमारे यहाँ होकर गए हैं, जो बड़ी बड़ी शख्सियात हमारे यहाँ होकर गई हैं, आप देखिए कि घंटों घंटों रियाज, बल्कि दिनों दिनों तक रियाज की उनके यहाँ परंपराएं रही हैं। मेरी खुशकिस्मती रही कि मैंने जब से कहना शुरू किया, लिखना शुरू किया, तब से बड़े बड़े जो आर्टिस्ट्स हैं, लेजेंडरीज हैं, सिंगर्स हैं, उनके साथ जगजीत जी, शुभम मुद्गल जी, आपने जिक्र किया, पंकज भाई, पंकज उदास जी, इन सब की सोहबतें मुझे मिली, तो पंडित राजन साजन मिश्रा, मालिनी अवस्थी जी, ये सब तमाम लोग जिनके साथ मैंने काम किया, तो मुझे हमेशा मैं ये देखता था कि ये लोग अगर इनको 20 मिनट गाना है तो उसके लिए 20 घंटे रियाज करते हैं। सही, तो मुझे ये लगता है कि ये चीज़ हमें लिटरेचर में या ख़ासतौर से शायरी में, गज़ल में, गज़ल कभी भी एक वन गो में मुकम्मल नहीं होती, मतलब मेरे लिए तो नहीं होती, मेरे सीनियर्स बहुत टैलेंटेड हैं, होती होगी उनके लिए, जाहिर सी बात है, उनका रियाज हो चुका है, इतना उम्रें निकल गई लोगों की लिखते हुए, तो मैं इसको अप्रिशिएट नहीं करता,
मेरी जनरेशन में या मैं जहाँ से सीख कर आया हूँ या जहाँ से मैं सीखता हूँ, मैं तो अप्रिशिएट नहीं करता। मैं ये मानता हूँ कि आप जब भी कुछ लिखें तो लिखने के बाद बहसियत रचनाकार आप जब उसे रचते हैं उसके बाद आप अपने आप से निकलिए और उसे देखिए, और एक बार नहीं दस दस बार देखिए, सौ सौ बार देखिए, और देखिए कि कहाँ आपने उसमें गलती की है। दिखेगा वो, दिखता है आपको, अगर आप चाहेंगे तो दिखेगा वो। और कहाँ आपने कुछ अच्छा कहा है। ऐसा भी हुआ है, मैं रात आप सामने थे, मैंने एक मतला पढ़ते समय कहा कि मुझे मुझे लग रहा है कि यहाँ आकर मैं इतने बरस बाद जहाँ मुझे ऐसा फील हुआ कि यहाँ मेरी पोइट्री मैच्योर हो रही है या यहाँ आकर मैंने कुछ पहले से बेहतर किया है, जबकि जो पहले कहा है वो कविताएं, वो रचनाएं, वो गज़लें मकबूल हुई, आप सब ने पसंद किया और उनसे मेरी पहचान बनी, लेकिन मुझे इंटरनल सेटिस्फैक्शन नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि कहाँ मैं आके मैच्योर होता हूँ, कहाँ आके मुझे लगता है कि हाँ मैं कुछ मेरे गुरुओं ने, मेरे सीनियर्स को सुन सुन के पढ़ पढ़ के जहाँ मुझे जो चीज़ मुझे आनी चाहिए थी वो मुझे अभी आई नहीं है। तो उस मतले को जरा समझ गया। हाँ, वो यूं था कि बरसों फरेब खाते रहे, बरसों फरेब खाते रहे, बहुत दूसरों से हम, बरसों फरेब खाते रहे दूसरों से हम, अपनी समझ में आए बड़ी मुश्किलों से, बहुत सुंदर, बरसों फरेब खाते रहे दूसरों से हम, अपनी समझ में आए बड़ी मुश्किलों से हम, होने को फिर शिकार नई उलझनों से हम, होने को फिर शिकार नई उलझनों से हम, मिलते हैं रोज अपने कई दोस्तों से, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात, मिलते हैं रोज अप, जी। तो मैं बात वहीं से उठाती हूँ आलोक जी की, जहाँ आप बता रहे थे कि कविता और साहित्य को हमें बार बार पलटना चाहिए, उसको बेहतर बनाने के लिए हमें कई बार देखना चाहिए। तो शायर आलोक श्रीवास्तव जी अपनी रचनाएं पलटते हैं, लेकिन पत्रकार आलोक श्रीवास्तव जी जो कि 15 साल से टीवी और अन्य माध्यमों से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, उनको तो सुबह की खबर या जो आज की खबर है वो वैसे के वैसे ही प्रस्तुत करनी है, शाम तक वो चीज़ जानी ही चाहिए। तो ये दो तरीके की जो अलग अलग तरीके हैं, मतलब प्रस्तुति के, मीडिया के, उनका सम्मिलन आपने अपने जीवन में कैसे किया, ये एक अच्छा, इस सवाल के दो तीन हिस्से हैं जी। मैं उन्हीं में जवाब देता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि मुझे पत्रकारिता में 20 वर्ष हो गए। अच्छा। तो उसमें से पहले मैं प्रिंट में था, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक में आया। पत्रकारिता में मेरा जो कंसर्न है, मेरा जो सरोकार है, वो सीधे जो एक हार्ड जर्नलिज्म होता है, यानी कि आप फील्ड में जाते हैं, जर्नलिज्म करते हैं, उस तरह का नहीं है। हमारे टेलीविज़न में एक सेक्शन होता है प्रोग्रामिंग। अच्छा। जो न्यूज़ की प्रोग्रामिंग करता है। जी जी जी। तो मैं उस तरह की प्रोग्रामिंग का जर्नलिस्ट हूँ। अच्छा। रहा हूँ अपने पेशे में। उधर जब मैंने प्रिंट में काम किया तो वहाँ भी मेरा जो सीधा सीधा वास्ता था वो फीचर जर्नलिज्म से था, जो संडे मैगज़ीन बनती हैं, सैटरडे मैगज़ीन बनती है, उनसे मेरा कंसर्न था। लेकिन ये सच है कि मेरा पेशा पत्रकारिता का है। अब तीसरा वाला जो हिस्सा है वो ये कि आपने पूछा कि कविता और पत्रकारिता, देखिए क्या है, कविता और पत्रकारिता में एक बहुत गहरा अंतर संबंध है, या यूं कहूं कि कवि में और पत्रकार में बहुत गहरा अंतर संबंध है, लेखक साहित्यकार में और पत्रकार में गहरा संबंध है। उसकी वजह यह है कि दोनों ही काम बिना सरोकार के नहीं हो सकते। सही बात है। अगर आप रचनाकार हैं, लेखक हैं, और आपको अपने समय की धड़कने नहीं सुनना आता तो आप रचनाकार नहीं हो सकते। क्या बात कही आपने। अगर आप पत्रकार हैं और आप बेदार नहीं हैं, बाशऊर नहीं हैं, आप जागृत नहीं हैं अपने अपने समय और समाज की विसंगतियों से, तो भी आप अपने पेशे में कामयाब नहीं हो सकते, यहाँ तक कि आप अपने दायित्व में भी कामयाब नहीं हो सकते। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि पत्रकारिता और लेखन ये रेल की दो पटरियों की तरह है, कि ठीक है इनको ये मिल जा, कहीं क्रॉसिंग पर मिल भी जाते होंगे, लेकिन ये साथ साथ चलते हैं। इसलिए मुझे कभी भी अपने 20 वर्ष के सफ़र में जर्नलिस्ट और पोएट के बीच में कभी कोई द्वंद्व नहीं दिखा। मैंने जब कोई नसर लिखी या कोई
अफसाना लिखा या कोई प्रोज लिखा तो भी मैं कनेक्ट होता हूँ उससे वैसे ही जैसे मैं गज़लें कहता हूँ। तो सॉरी मैं सिर्फ ये कह रही थी वो तो बिल्कुल सामाजिक सरोकार है, लेकिन पलटते थे क्या आप फिर भी अपने? हाँ मैं आ रहा हूँ, इस बात पे भी आ रहा हूँ। मैं बिल्कुल पलटता हूँ। और जैसे प्रोग्राम बनाने के बाद, जैसे आप ये प्रोग्राम बना रही हैं, आप इसे रिकॉर्ड कर रही हैं, फिर आप इसे एडिट कराएंगी, तो उससे पहले आपने देखा कि मैंने थोड़े आपके काम में भी इंटरफेयर किया, ये फ्रेम ऐसे बनेगा, ये हेडरूम ऐसे आएगा। उसकी वजह यह है कि वो मेरे DNA का हिस्सा है, वो मेरे संस्कार का हिस्सा है। मैं कोई भी चीज़ मतलब फ्लॉलेस जिसको कहते हैं, परफेक्शन, उसमें देखने का आदी हूँ, इसलिए कि मैं टीवी के उस जॉनरा से आता हूँ जो प्रोग्रामिंग कहलाती है। प्रोग्रामिंग की खासियत ये होती है कि उसमें आपको माकूल वक्त मिलता है अपना काम करने के लिए। वो लाइव नहीं है, लाइव में आप गलती कर देते हैं तो एक टॉलरेट कर लिया जाते हैं कि यार लाइव था, चलिए हो गई गलती। लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो प्रोग्रामिंग में आपको एक प्रॉपर स्पेस मिला होता है, आपका एक शो होता है, जैसे आपका ये शो है। अब आप अगर इसमें भी कोई फंबल चला जाए, अगर आप इसमें भी कोई एडिट की मिस्टेक छोड़ दें, तो फिर वो सामने देखने वाला, अगर वो थोड़ा भी उसको शऊर है, तो वह कहेगा कि ये तो प्रोग्रामिंग है, ये तो एडिट भी हुआ होगा, तो इसमें गलती कैसे हो गई। मेरा कहने का मतलब, तो इसलिए पलट के देखना अपने काम को। मैं तो ये कहता हूँ कि मैंने ऐसे कई म्यूजिशियंस के साथ काम किया है जो बाद में ये कहते हैं कि ये मैंने अच्छा नहीं गाया, वो सुनते हैं अपने वीडियो, है ना? जी बिल्कुल। तो ऐसा तो ये तो अपने आप को अगर परिष्कृत करने का, अपने आप को अगर दिन ब दिन संवारने का आपको का जज्बा है, तो मुझे ये लगता है कि आपको गुजरा हुआ काम अपना ज़रूर देखना चाहिए और पलट के। और मैं यहाँ एक बहुत अच्छी बात कोट करूँगा जो मैं अपने इंटरव्यूज़ में अक्सर कोट करता हूँ। ये बात mid-90s की है। मैं फिल्मों में बॉम्बे रहता था और फिल्मों में स्ट्रगल कर रहा था और टीवी वगैरह के कुछ छोटे छोटे काम करता था। तो वहाँ उस वक्त मेरी एक दोस्ती, एक म्यूज़िक डायरेक्टर हैं मिलिंद जोशी, उनसे हुई। तो कुछ ऐसा एक इमोशनल ट्रॉमा मेरे लाइफ में आया इन 1997 कि मैंने लिखना बंद कर दिया। मेरी माँ की डेथ हो गई, इंतकाल हो गया उनका, मेरी वालदा का। तो एक इमोशनल कनेक्ट था उनसे और वो बहुत मोटिवेट करती थी मुझको पोएट बनने के लिए, राइटर बनने के लिए। तो वो एक, मैंने कहा आप क्या, तो वो एक इमोशनल जिसको कहते हैं ना, एक सफोकेशन। तो मैंने लिखना बंद कर दिया, कहना बंद कर दिया। एक दो साल गुजर गए तो जब संपर्क, तो उन लोगों से दोस्ती तो सबसे थी, तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात मुझसे कही। उन्होंने ये कहा कि जब क्रिएट ना हो ना तो रिक्रिएट करना चाहिए, यानी जो आपने क्रिएट कर रखा है उसको आप फिर देखिए, उसको आप फिर संवारिए, उसको आप फिर बनाइए। तो इससे ये होता है कि आपको लगता है कि आपने अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड किया। तो मैंने आपसे जैसे शो के पहले में बोला कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, बहुत मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मुझे सोहबतें बहुत अच्छी मिली और मैंने जितना कुछ सीखा उस सीखने में हद से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा जो सीखना है वो मैंने सोहबतों से सीखा। आप जब बात कर रहे हैं इसकी, मुझे बिल्कुल लग रहा है कि जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि गुरु और शिष्य का एक संपर्क होता है, एक संबंध होता है, लेकिन आप जैसा कह रहे हैं कि सोहबतों से भी हम सीखते हैं। जैसे जो भी रास्ते में हमें मिल रहा है या बड़ा कोई है तो उससे हम सीख लेते हैं। मैं बात करूँगी हिंदी कविता और उर्दू शायरी की, क्योंकि आप कवि भी हैं, आप एक तरह से उर्दू शायरी करते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि मैंने देखा है हिंदी कविता में गुरु शिष्य इस तरह से बहुत ज़्यादा, शैलजा जी भी और बता पाएंगी, इतना नहीं होता। हम कविता लिखते हैं और अगर हम संतुष्ट होते हैं तो कई बार हम अपने जो हमें जिससे हम सीख रहे हैं वैसा उनको दिखाने की ज़रूरत नहीं समझते, और कई बार किताबें भी आ जाती हैं, कई बार हम उसको छाप देते हैं। लेकिन उर्दू शायरी में मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है, अनुभव ऐसा है कि हम अपने उस्ताद को दिखाकर इस्लाह करके उसके बाद फिर उसको पब्लिश करने की कोशिश करें। नहीं, मैं इस बात से आपसे आंशिक रूप से असहमत हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे साक्ष्य भी मिलते हैं, हम ऐसे लोगों को भी व्यक्तिगत रूप से जानते हैं जो हिंदी कविता करते हैं, गीत लिखते हैं और वो अपने गुरुओं को भी दिखाते हैं। उर्दू शायरी में ये परंपरा बहुत पुरानी रही है, शागिर्द और उस्ताद वाली, और उर्दू शायरी में यूँ कही है कि मकबूल ज़्यादा हो गई, हिंदी में उतनी प्रसिद्ध नहीं हुई, उतनी उतना उसको वो लोकप्रियता नहीं मिली कि गुरु शिष्य परंपरा के फलाने
जो महान कवि थे या श्रेष्ठ कवि थे वो फलाने महान कवि के और गुरु वो शिष्य थे, तो वो परवान नहीं चढ़ी वो उस तरह से बातें। लेकिन हाँ, ये सच है कि उर्दू शायरी में उस्ताद और शागिर्द की परंपरा बहुत पुरानी है और बहुत बहुत ही मशहूर हैं ये। अच्छा, उनके बीच के किस्से भी बड़े मशहूर हैं। वो क्या होता है, हमारे यहाँ हमारे भारतीय परंपरा में दरअसल हमारी जो परंपरा है वो वाचिक परंपरा है। हम लोग लिखे हुए से ज़्यादा सुने हुए को साहित्य बनाते हैं, है ना। रामायण हमारे यहाँ ऐसे ही आती है, हमारे यहाँ और भी चीज़ें जो भजन कीर्तन और जो पुराने हमारे क्लासिक्स के हैं वो सब हमारे वाचिक परंपरा से आए हैं, तो हम लोग सुन लेते हैं ऐसी बातें। तो जो सुनते हैं वो चीज़ें हमारे जहन में ज़्यादा रह जाती हैं बनिस्बत इनके कि जो हम पढ़ते हैं। तो ये क्या हुआ है कि उस्ताद और शागिर्द के किस्से भी बड़े मशहूर रहे हैं, इसलिए ये लोगों को लगता है कि उर्दू में ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है, हिंदी में भी। मेरे तो अभी भी कई कंटेम्प्रेरी पोएट्स ऐसे हैं, कवि ऐसे हैं मेरे दोस्त, जो अपने गुरु को दिखाते हैं, जिनके साथ PhD। और मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ जब आप ऐसा कह रहे हैं कि हाँ, जो कवि हैं वो अपने गुरुओं को दिखाते हैं, और मैंने ऐसा, लेकिन आज का जो युवा वर्ग है, मैं उसकी बात ज़्यादा कर रही हूँ, क्योंकि जहाँ तक मैं देख रही हूँ और हम सब युवा वर्ग जो है वो अपनी, फिर वही पुरानी बात कि अपनी कविताओं को लाना चाहता है सीखना। मैं ऐसा समझता हूँ, शैलजा जी भी वही पूछना चाह रही हैं, मैं ऐसा समझता हूँ कि उस तरह के युवा के पीछे आपको एक शब्द लगा लेना चाहिए, भटका हुआ। एक बात मैं यहाँ और जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि आप जब बात कर रहे थे तो मुझे ध्यान आ रहा था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जब अपना पत्र निकालते थे तो वो मैथिली शरण गुप्त जी की कविताओं को भी पूरा का पूरा कई बार बदल देते थे। तो हमारे यहाँ जो गुरु होता था हिंदी में, जब वो संपादक भी वो गुरु की भूमिका निभाते थे, क्योंकि वो उनमें इतनी सामर्थ्य होती थी कि वो अपने अपने जो भी पत्र छपने के लिए, जो चीज़ें छपने के लिए आ रही हैं उनको कर सकें। तो यहाँ पे भी अभी भी ये है कि बहुत सारे संपादक बहुत मेहनत से सुधार करके लोगों को भेज देते हैं, क्योंकि कई बार अपने टीचर को दिखाया या नहीं दिखाया, तो उस तरीके की बातें, जैसा आलोक जी ने कहा कि मशहूर नहीं हुए किससे, तो इस वजह से लगता है। लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं, और कुछ संपादक जो अब क्योंकि सेल्फ लोड करने का वो एक हो गया है, तरीका बन गया है, तो इस वजह से हमें कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई मिलती हैं। क्योंकि मैं संगीत के जगत में काफ़ी जुड़ी हुई हूँ, तो वहाँ तो गुरु और शिष्य की परंपरा इतनी ज़्यादा मजबूत है कि हम बिल्कुल बिना गुरु के। हाँ, संगीत देखिए क्या है कि मेरा हालांकि वो जॉनरा नहीं है, लेकिन मैंने, मेरी खुशकिस्मती रही है कि मैंने अच्छे बड़े संगीतकारों के और गायकों के साथ काम किया है, तो संगीत एक संगीत का तो जिसको हम कह सकते हैं कि उसकी तो रीढ़ की हड्डी में ही गुरु शिष्य परंपरा है, और जब तक गुरु आज्ञा नहीं देता शिष्य सार्वजनिक रूप से गा भी नहीं सकता, प्रस्तुति भी नहीं दे सकता, तो वो एक अलग रिस्पेक्ट और अलग आदर वाली परंपरा है। साहित्य थोड़ा सा मुख्तलिफ है, यहाँ शागिर्द उस्ताद से के उस्ताद हो जाते हैं, तो ये एक अलग वो है, लेकिन इसको हम अगर दोनों से जोड़ें तो मुझे लगता है कि दोनों परंपराएं एक होते हुए भी एक नहीं है। मैं आपसे एक सवाल और ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि आलोक जी आपकी जो किताबें हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई, आपकी कविताओं के किताबों के और कहानी के कई संस्करण आ गए, और आप मंच पर भी बहुत प्रसिद्ध हैं, तो हमेशा एक हिंदी साहित्य में बातचीत होती रही कि भाई मंच की जो कविता है और जो साहित्य की किताब में लिखी हुई कविता के बीच में दूरी दिखाई देती थी, क्योंकि मंच पर बीच में कुछ हिस्सा, क्योंकि एक ज़माना हुआ करता था जब छायावाद के बड़े बड़े कवि लोग भी मंच पर आते थे, निराला जी पंसी आते थे, और उसके बाद बाल कवि बैरागी जैसे बहुत बढ़िया बढ़िया कवि लोग भी आए, लेकिन बहुत सारे कवियों को मंच का कवि कह करके थोड़ा सा छोड़ भी दिया गया। लेकिन आपके लिए जब नामवर जी कहते हैं कि दुष्यंत की परंपरा से आता है, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि मंच के आलोक श्रीवास्तव साहित्य के जगत में भी उसी प्रकार से स्वीकृत है और नामवर जी के ठप्पे के साथ स्वीकृत हैं। तो आप इन दो के बीच में, क्योंकि आप दोनों जगहों पर हैं, आप इनके बीच का अंतर कैसे देखते हैं और इस चीज़ को कैसे कम करके स्तरीय कविता मंच के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जा सकती है? देखिए, आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है। जब आप सवाल कर रही थी तो आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था कि हिंदी कविता में जी। ये जो मंच वाला जो इधर कुछ दशकों में विकसित हुआ है,
उसके पीछे मंच के जो कवि हैं और उसके जो श्रोता हैं वो दोनों दोषी हैं, ठीक है। और उन्होंने कुछ इस तरह का स्तरहीन प्रस्तुतिकरण और कविताओं का, हिंदी कविता में ख़ास तौर से लतीफ़ों को कविता बनाना, हल्की बातों को कविता बनाना, कविता के की गहराई और उसके मर्म को न समझना, कविता के ऊपर काम न करना, उसको एक भोंडे तरीके से प्रस्तुत करना, ये जितने भी दुराग्रह हो सकते हैं या जितने भी एक गलत अप्रोचेस हो सकती हैं पोइट्री को लेके, वो इधर के दशक में दशकों में हिंदी कविता के मंचों पर बहुत हुई जी। इसको अब हिंदी वाले भी मानते हैं। मैं हिंदी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मुशायरे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अच्छा। मुशायरों में पहले दिन से कलाम एक ही है, जो किताबों का, रिसालों का और जो अदब का हिस्सा है वही मुशायरों में भी है। अच्छा, बिल्कुल। आपको ऐसा नहीं लगेगा, दो भाग नहीं है। हाँ, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि किताबी शायरी अलग है और मुशायरे की शायरी अलग है। अच्छा। कम से कम जिनमें मैं चाहता हूँ उनके बारे में तो मैं प्रामाणिक रूप से कह सकता हूँ, एक बात। दूसरी बात यह है कि कभी भी कोई भी तहजीब जो होती है उस तहजीब को बनाने में उस तहजीब को बरतने वालों का बड़ा हिस्सा होता है। जैसे मैंने बोला दोष जो है, तो मैं बहुत ही प्रामाणिक रूप से कह सकता हूँ कि हमारी हिंदी कविता में इधर कुछ जो रचनाकार आए हैं ये उसके लिए दोषी हैं और पूरी तरह से दोषी हैं। उन्होंने एक पूरे के पूरे ट्रेडिशन को ख़राब किया है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि इन्हीं इसी अमेरिका में हिंदी कविता के बहुत सारे लंबे टूर होते हैं, उनमें यहाँ के जो श्रोता हैं वो बाकायदा ये मांग करते हैं कि हमें स्टैंड अप कॉमेडियन चाहिए, बाकायदा। अच्छा। मतलब मैं बहुत ही प्रामाणिकता से कह रहा हूँ ये बात। तो आप कविता को क्या समझ रहे हैं, वो स्टैंड अप कॉमेडी है, एंटरटेनमेंट का, वो लतीफ़ों को लयबद्ध करके या लतीफ़ों की एक लड़ी बनाकर प्रस्तुत करना को आप हिंदी कविता कह रहे हैं। तो क्या कारण था कि बच्चन जी, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त जब कविता के मंच पर जाते थे या भवानी भाई, भवानी प्रसाद मिश्र जब ये कविता के मंच पर जाते, दिनकर जब कविता के मंच पर जाते थे, तो कविता के मंच का मयार, वकार आला होता था। और क्या कारण है कि आज हिंदी कवि सम्मेलन लगभग मतलब लतीफ़ों का एक सम्मेलन बनकर रह गए। तो इसके पीछे दोनों दोषी हैं। मैं इसके पीछे कवियों को अकेले दोषी नहीं मानता, मैं इसके पीछे हिंदी का जो श्रोता समाज है उसको भी बहुत दोषी मानता हूँ। और ये अमेरिका में बहुत ज़्यादा हुआ है। अमेरिका में या तो लोग उसको एंटरटेनमेंट का शो मानते हैं कवि सम्मेलन को, और वो सोचते हैं कि हम दो घंटे के एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कवियों का ये दायित्व होता है कि वो श्रोताओं को वो प्रस्तुत करें, वो कविताएं प्रस्तुत करें जो सचमुच में उनके साहित्य का, उनके गीतों, उनके कल्चर का हिस्सा है, उनकी संस्कृति का हिस्सा है। और श्रोताओं को भी ये चाहिए कि अगर उन्हें लाफ्टर शो देखना है तो टीवी पे देखें। वो क्यों कवि सम्मेलन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको हंसने का मौका मिलेगा। तो ये चीज़ मैं इसमें हिंदी उर्दू नहीं करूँगा, मैं हिंदी कवि सम्मेलनों में भी जाता हूँ, लेकिन हिंदी कवि सम्मेलन में भी मैं वही पढ़ता हूँ जो मेरी आमीन में है। मैं ऐसा नहीं है कि उसके लिए कुछ अलग से लिखता हूँ कि वहाँ मैं अलग से एंटरटेन करूँगा, मुझे अलग से तालियाँ मिलेंगी। रात को मानुषी जी थी जिस कार्यक्रम में मैंने कनाडा में पढ़ा, आपके टोरंटो में, तो मैं अपनी किताब से पढ़ रहा था और किताब से मुझे दाद मिल रही थी। उसी को आपने सराहा, उसका 5th edition 6th edition आ गया, उसी को आपने मुझसे मंच पर सुना। मैंने ये नहीं कहूँगा कि मैंने कोई परंपरा स्थापित की, मैंने कोई किसी परंपरा की बुनियाद रखी, मैंने सिर्फ वो किया जो मेरे बड़े ने, मेरे बुजुर्गों ने, मेरे सीनियर्स ने मुझे सिखाया, देखा। मैं बाजार में नहीं गया और बाजार में मैं जाना भी नहीं चाहता। मैं वही जो मैं कहता हूँ, अगर वो आपको अच्छा लगता है तो मुझे बुलाइए, सुनिए। सही बात। और सही अगर बात। आपको अच्छा नहीं लगता तो मत बुलाइए, मत सुनिए। नहीं, समीर लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये कार्यक्रम कल रात आयोजित करवाया। और बहुत अच्छा, और मैं स्नो के कारण नहीं जा पाई, लेकिन आपने सुना। आपको इसी बात पर एक आध कुछ आपकी पहले हम आपकी कुछ रचना सुनना चाहेंगे। जैसे भी आप हिंदुस्तानी भाषा में लिखते हैं, तो सबसे बड़ी बात तो ये भाषा के लिए मैं कहूँगी
कि उसमें हमारे रोज़ आम बोलचाल के भाव होते हैं और आपकी जो बात है वो घर आंगन मन के संबंधों से जुड़ी हुई बात होती है, तो दूर तक भी पहुंचती है ये। हाँ, तो मैं हमेशा कहता भी हूँ कि ना मैं हिंदी का कवि हूँ ना उर्दू का शायर हूँ, मैं हिंदुस्तानी ज़बान का गज़लकार हूँ। क्या बात है। तो जो ज़बान मेरे मुल्क में बोली जाती है और जो हिंदी उर्दू मेरे देश से निकली है, मैं उस ज़बान का रचनाकार हूँ। और तो सबसे बड़ी बात, कल के भी जब कार्यक्रम में आप थे तो ये जो आप शैलजा जी कह रही हैं कि दिल तक उतरती है, सबके दिल तक पहुँचती है, और आपकी शायरी में ये बात इतनी ज़्यादा है, एकदम जैसे कि आदमी कोई बात कर रहा है, बस वैसे ही शायरी में, बहर में, मीटर में कैसे ला पाते हैं आप इस बात को, एकदम अचंभे वाली बात है। जी, मुझे मुझे दो लाइनें मैं ज़रूर आपके आपको देती हूँ, ये पंक्तियाँ भवानी प्रसाद जी की, कि जिस तरह मैं बोलता हूँ उस तरह उल्लेख, और उसके बाद भी मुझसे बड़ा तो देख, तो आपकी कविता में वो चीज़ दिखाई देती है। चलिए, बहुत शुक्रिया। अगर ये कुछ अच्छाइयाँ आपको दिखती हैं तो ये जिन अपने गुरुओं से, अपने बड़ों से जो मैंने सीखा है, ये श्रेय पूरा का पूरा उनको जाता है, और जो खामियां आपको मुझ में दिखती हैं वो अभी मेरे सीखने का प्रोसेस है। तो मैं, अगर वो घर आंगन की आपने बात की है, तो मैं आपको अपनी दो जो कविताएं हैं, मेरी लोकप्रिय कविताएं हैं, आप सबने पसंद की हैं, वो मैं सुना देता हूँ, अम्मा और बाबूजी, क्योंकि आपका वक्त भी बहुत हो रहा है। तो मैं पहली बार आपको किताब खोल के पढ़ते हुए देख रही हूँ, क्योंकि मैंने जितने भी आपके कार्यक्रम YouTube पे देखे हैं, उन सब में आप धड़ाधड़ पानी की तरह से बिना कुछ खोले सुनाते हैं। वो कभी कभी मैंने कहा ना, जैसे क्रिएट नहीं होता तो मैं रिक्रिएट करता रहता हूँ, कभी कभी मैं इनमें बदल भी देता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये अब नया एडिशन आया है, तो इसको आपके सब श्रोता देख भी लें, दर्शक देख भी लें, और मैं इसमें से पढ़ दूं, पता नहीं मैंने क्या बदल दिया। स्वागत है आपका, स्वागत है। तो पहला तो बाबूजी गज़ल जो आपने मुझे आदेश किया कि घर की बुनियादें दीवारें बामो दर थे बाबूजी, क्या बात है। घर की बुनियादें दीवारें बामो दर थे बाबूजी, सबको बांधे रखने वाला ख़ास हुनर थे बाबूजी, सबको बांधे रखने वाला ख़ास हुनर थे बाबूजी, तीन महल्लों में उन जैसी कद काठी का कोई न था, तीन महल्लों में उन जैसी कद काठी का कोई न था, अच्छे खासे ऊंचे पूरे कद्दावर थे बाबूजी, अच्छे खासे ऊंचे पूरे कद्दावर थे बाबूजी, भीतर से खालिस जज्बाती और ऊपर से ठेठ पिता, भीतर से खालिस जज्बाती और ऊपर से ठेठ पिता, अलग अनूठा अनबूझा सा एक तेवर थे बाबूजी, बहुत ही सुंदर, अलग अनूठा अनबूझा सा एक तेवर थे बाबूजी, अब तो उस सूने माथे पर कोरेपन की चादर है, अब तो सूले माथे पर कोरेपन की चादर है, अम्मा जी की सारी सजधज सब जेवर थे बाबूजी, अम्मा जी की सारी सजधज सब जेवर थे बाबूजी, कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे कभी हथेली की सूजन, कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे कभी हथेली की सूजन, मेरे मन का आधा साहस आधा डर थे बाबूजी, मेरे मन का आधा साहस, धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा, धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा, सारे घर का शोर शराबा सूनापन तन्हाई अम्मा, उसने खुद को खोकर मुझ में एक नया आकार लिया है, उसने खुद को खोकर मुझ में एक नया आकार लिया है, धरती अंबर आग हवा जल जैसी ही सच्चाई अम्मा, धरती अंबर आग हवा जल जैसी ही सच्चाई अम्मा, सारे रिश्ते जेठ दोपहरी गर्म हवा आतिश अंगारे, ऑल रिलेशंस, सारे रिश्ते जेठ दोपहरी गर्म हवा आतिश अंगारे, झरना दरिया झील समंदर भीनी सी पुरवाई, क्या बात है, फिर से पढ़िएगा इसको। सारे रिश्ते जेठ दोपहरी गर्म हवा आतिश अंगारे, झरना दरिया झील समंदर भीनी सी पुरवाई अम्मा, घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे, क्या बात, घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे, चुपके चुपके कर देती है
जाने कब तुरपाई अम्मा, चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा, बाबूजी गुजरे आपस में सब चीज़ें तकसीम हुई, तब बंटवारा हो गया, बाबूजी गुजरे आपस में सब चीज़ें तकसीम हुई तब, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से आई। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। आपकी जब ये बात हो रही है, मैं ये तो आपके सिग्नेचर गज़लें हैं बिल्कुल। मैं सांस्कृतिक सफ़र जब करती हूँ तो उसमें मेरा एक सवाल ज़रूर ये होता है कि आपके सफ़र की शुरुआत कैसे हुई और कैसे, तो आप अपने सफ़र के बारे में थोड़ा सा बताएं तो। बड़ी मतलब अच्छी सी कहानी है इसकी और वो सच है। मैं 15-17 बरस का था तो मेरे जो दोस्त हैं वो सब गर्मियों की छुट्टी में या स्कूल ख़त्म होने के बाद वो बाहर मैदानों में सड़कों पर खेलते थे जी। लेकिन मैं क्या करता था, मैं और मेरा एक और मित्र था, हम लोग जगजीत जी की कैसेट्स, पंकज दास साहब की कैसेट्स, मेहदी हसन साहब की कैसेट्स ये ना लेकर आते थे और एक छोटा सा टैप रिकॉर्डर था जिसमें कैसेट ऊपर होके निकलती है पलट के फिर आप बजाते हैं तो, और तो हम उसमें वो सुना करते थे और उसमें और इफेक्टिव हो तो जो मटका होता था ना उस पर बड़ा सा स्पीकर उल्टा रख देते ताकि वो और अच्छी सुनाई आवाज सुनाई दे। हाँ तो यहाँ से हमें शौक लगा, यहाँ से हमको एक चस्का जिसको कहते हैं तो वो चस्का उसके जो प्रेरणा स्रोत हैं वो जगजीत जी और पंकज दास साहब, ये दो उसके प्रेरणा स्रोत थे। तो मैं सोचता था कि कुछ ऐसा लिखा जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि ये लोग गाएं। हाँ तो मैं लिखना शुरू कर दिया कुछ भी ऐसे ऊट पटांग अपना और धीरे 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 करके वो एक जुनून में तब्दील हो गया जी। और बाकायदा फिर डॉक्टर बशीर बद्र साहब और मेरे उस्ताद गोविंद आर्य निषाद साहब और जो हमारे शायरी के और जो सीनियर्स हैं उनके साथ उठना बैठना शुरू हो गया। अच्छा भोपाल चूंकि मेरा ननिहाल भी है, मेरी तालीम भी वहाँ हुई है, वहीं से नज़दीक विदिशा से मैं हूँ तो वहाँ कल्चर बहुत था उर्दू पोइट्री का तो सब लोगों से उठना बैठना शुरू हो गया। तो पिता जो थे वो बहुत नाराज़ होते थे क्योंकि कायस्थ फैमिली पढ़ने लिखने वाले सब लोग और उसमें भी सब जितने मेरे तीन बड़े भाई और माँ और खुद पापा सब एडमिनिस्ट्रेशन में थे तो वो नाराज़ होते थे, कहते थे क्या कविता शायरी है और वो पढ़ाई पे ध्यान दो। तो मैं अपनी माँ के पास जाता था, उनसे तो डरता था पिता से, तो माँ के पास जाता था और कहता था कि ये मुझे डांटते हैं या कभी कभी मार भी देते थे तो देखिए इनको समझाइए कि मैं ना सिर्फ पोइट्री करूँगा और एक दिन मेरी गज़लें जगजीत जी और पंकज जी गाएंगे। क्या बात है। तो ये एक जुनून मेरे अंदर था तो ये तो एक ये तो था कि ये शौक था। लेकिन फिर बाद में धीरे 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 जब लिखने लगे तो जो कुछ और रचनाकार समकालीन दोस्त हमारे ऐसे मिले कि जिन्होंने ये कहा कि देखो लेखन का एक सरोकार होता है, साहित्य का भी एक सरोकार होता है, जो तुम रच रहे हो उसको मुआशरे से, समाज से, अपने अपने आसपास के वक्त से अगर उसको नहीं कनेक्ट करोगे तो खारिज कर दिए जाओगे। तो मैंने कहा भाई ठीक है, वो भी समझ लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। तो धीरे धीरे करके वो जो एक फैसिनेशन जिसको कहते हैं वो पैशन में बदल गया। हाँ मतलब एक शौक से शुरू हुए थे और जुनून पर आकर कलम रुका और फिर उसके बाद ये कि नहीं अब ये भी इस पर भी पॉइंट आउट करना है कि फिर वैसी गज़लें भी कहीं कि ठीक हुआ जो बिक गए सैनिक मुट्ठी भर दीनारों में, वैसे भी तो जंग लगा था पुश्तैनी हथियारों में। हाँ इस तरह की भी गज़लें कहीं। तो कहने का अभिप्राय ये कि सफ़र की शुरुआत तो एक उससे हुई थी कि भाई ये गाएँ, वो फलाने बड़े सिंगर गा दें, लता जी गा दें या बच्चन साहब पढ़ दें हमारा लिखा हुआ, तो वो सब हुआ। लेकिन फिर बीच में जो एक दौर आया और बल्कि शुरुआत के बीच में ही दो मित्र हमारे समकालीन मित्र आलोक प्रकाश पुतुल और ब्रज श्रीवास्तव, ये ऐसे मित्र मिले जो साहित्य में बड़े नामचीन युवा रचनाकार थे, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरी विचारधारा को बनाने में मेरे बड़े भाई आनंद श्रीवास्तव जी, वो खुद बहुत अच्छे गीतकार हैं, उन्होंने निसार मालवीय जो मेरे
बड़े भाई की तरह हैं उन्होंने, तो इन लोगों ने फिर मेरे, मैं कहता हूँ ना कि कोई भी रचनाकार, कोई भी फनकार, कोई सिंगर ऐसे नहीं बनता, उसके बनाने के पीछे उसकी अगर आप, वो ठीक है उसका कनेक्ट ऊपर होना चाहिए, लेकिन उसके बनने के प्रोसेस में लोग क्या करते हैं कि अपने बनने के प्रोसेस को कभी उजागर नहीं करते, मुझे लगता है ये गलत है। आप अकेले नहीं बने हो, आपके पीछे बहुत सारे लोगों का सफर है, बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग्स है और मेहनत भी है। तो मुझे ये लगता है कि वो ब्लेसिंग्स को लोग बाईपास कर जाते हैं, वो नहीं करना चाहिए। जी, जी। मेरे बनने के पीछे बहुत सारी, मेरी मदर जो ये चाहती थी कि मैं राइटर बनूं, मेरे फादर के बाद में सपोर्ट, जब मैं कुछ करने लगा तो उन्होंने भी सपोर्ट करना शुरू किया, मेरे भाई, मेरी फैमिली, और प्लस मेरी वाइफ, अब तो मेरा बेटा मुझे बताता कि पापा ऐसा लिख रहा है ये चलता है। मैं इसीलिए मेहनत कर रही थी क्योंकि माँ भी पढ़ेंगी उसको और पत्नी भी पढ़ेंगी, तो और वो मुझे गाइड करता है कि देखिए ये अरिजीत ने ये गाना गाया है, देखिए कैसा लिखा गया है, तो ऐसा कुछ लिख के दे दीजिए, तो मैं कुछ, वो भी म्यूजिक वगैरह करता है। तो मुझे लगता है कि एक कोई फनकार वो एक इकाई अपने श्रम से तो हो सकता है, रियाज से तो हो सकता है, बट उसके पीछे बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग्स होती हैं, बहुत सारे लोगों का गाइडेंस होता है, बहुत सारे लोगों का बनाया हुआ माहौल होता है। माहौल दोनों होते हैं, एक वो भी होता है जो आपको इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है, एक वो भी होता है जो डिस्करेज करता है, वो ज़्यादा पावरफुल होता है। अच्छा हम ये नहीं कर सकते तो हम ये करके दिखाएंगे। तो ऐसा भी मुझे बहुत मिले, ऐसे लोग भी बहुत मिले मुझको अपनी लाइफ में जिन्होंने बहुत डिस्करेज किया कि ये हो ही नहीं सकता, तो मैं अच्छा हो नहीं सकता तो फिर तो जरूर करेंगे। उनका तो जो जगजीत जी ने जो गजल गाई है उस गजल के में मैंने जवाब ये दिया है कि मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। बहुत ही सुंदर शेर है ये और बहुत ही मन को खुश करके ही नहीं आगे बढ़ाने वाला, प्रेरणा वाला, और ये हमेशा रह जाने वाला मन में और दिमाग में। तो बहुत अच्छे अच्छे आपने लिखे हैं। चलते चलते मैं आपसे आलोक जी एक सवाल करना चाहूँगी, ये सवाल नहीं, आपकी एक गज़ल सुनना चाहूँगी, रचनाएं सुनना चाहूँगी, क्योंकि आपने अपने जो तमाम अपने समकालीन लोग हैं जिन्होंने आपको बनाया उन सबको धन्यवाद दिया, लेकिन आपकी रचनाओं में दो जो कविताएं बहुत पसंद हैं मुझे वो हैं कि आप बहुत पीछे तक जाते हैं और खुसरो और कबीर जी के को धन्यवाद देते हैं और उनसे अपने आप को जोड़ करके आप आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर वो रचनाएं हैं, मैं चाहूँगी कि आप उन रचनाओं को यहाँ हमारे श्रोताओं के लिए प्रस्तुत कीजिए। हाँ, वो मैं पहले आपकी बात का जवाब दे दूँ। मैंने जैसे बोला ना कि रूट्स की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरा एक मतला है वो ये है कि असर बुज़ुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है। जी, असर बुज़ुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है, पुरानी नदियों का मीठा पानी नए समंदर से झांकता है। क्या बात है। तो हम तो बने ही सब उनके बड़े बुज़ुर्गों के आशीर्वाद से हैं, उनकी दुआओं से बने। जिन गज़लों का आप जिक्र कर रही हैं वो हज़रत अमीर खुसरो की का बड़ा मशहूर रिख्ता है, ज़िहाले मिस्कीन मुकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ के ताब हिजरान नदार में जा नले हुए लगाए छतियाँ। तो मैं चूंकि दिल्ली में रहता हूं और एक अकीदा भी है उधर उनकी तरफ, और एक स्टूडेंट ऑफ पोएट्री होने के नाते भी मुझे लगता है कि जहां से गज़ल शुरू हुई वहां जाकर एक फूल चढ़ाने का फ़र्ज़ तो मेरा बनता ही है। तो 13वीं शताब्दी हज़रत अमीर खुसरो ने फरमाया था, तो ये गज़ल यूं है, उनको खराज अकीदत हमारे यहाँ कहते हैं। सखी पिया को जो मैं न देखूँ तो कैसे काटूँ अंधेरी रतियाँ, कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो कहीं से ला दो मुझे वो अखियाँ। कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो कहीं से ला दो मुझे वो अखियाँ, दिलों की बातें दिलों के अंदर ज़रा सी ज़िद से दबी हुई हैं। दिलों की बातें दिलों के अंदर ज़रा सी ज़िद से दबी हुई हैं, वो सुनना चाहें ज़ुबान से सब कुछ मैं करना चाहूँ नज़र से बतियाँ। वो सुनना चाहें ज़ुबान से सब कुछ मैं करना चाहूँ नज़र से बतियाँ, ये इश्क क्या है, 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 सुलगती सांसें तरसती आँखें मचलती रूहें धड़कती छतियाँ। वाह, बहुत बढ़िया। मैं कैसे मानूँ बरसते नैनों कि तुमने देखा है पी को आते, मैं कैसे मानूँ बरसते नैनों कि तुमने देखा है पी को आते, न काग बोले न मोर नाचे न कू की कोयल न
चटकी कलियां, क्या बात, सखी पिया को जो मैं न देखूं। और कबीर ने कहा था कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, गुजारी होशियारी से जवानी फिर गुजारी क्या, गुजारी होशियारी से जवानी फिर गुजारी क्या, धुएं की उम्र कितनी है घुमड़ना और खो जाना, क्या बात है, धुएं की उम्र कितनी है घुमड़ना और खो जाना, यही सच्चाई है प्यारे हमारी क्या तुम्हारी क्या, वाह क्या बात है, उतर जाए है छाती में जिगरवा काट डाले है, उतर जाए है छाती में जिगरवा काट डाले है, मुई तन्हाई ऐसी है छुरी बरछी कटारी क्या, मुई तन्हाई ऐसी है छुरी बरछी कटारी क्या, तुम्हारे अज़्म की खुशबू लहू के साथ बहती है। इसमें एक अपने मरहूम वालिद के लिए शेर हो गया, अज़्म श्रेष्ठता को कहते हैं, ग्रेटनेस को कहते हैं, तुम्हारे अज़्म की खुशबू लहू के साथ बहती है, अना ये ख़ानदानी है उतर जाए खुमारी क्या, क्या बात है, उतर जाए खुमारी क्या। और शेर आखिर ये है कि हमन कबीरा की जूती हैं, उन्हीं के कर्जदारी हैं हम सारे रचनाकार, हमन कबीरा की जूती हैं उन्हीं के कर्जदारी हैं, चुकाए से जो चुक जाए वो कर्जा क्या उधारी, बहुत बढ़िया, हमन है इश्क मस्ताना, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी आपका, आपने बहुत बड़ी बात कही कि धुएं की क्या क्या, धुएं की उम्र कितनी है घुमड़ना और खो जाना, यही सच्चाई है प्यारे हमारी क्या तुम्हारी क्या। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ आज बात कहना चाहूँगी कि ये कार्यक्रम भी घुमड़ के ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो इसकी खुशबू है, क्योंकि धुएं की अगर खुशबू होती है तो वो बहुत देर तक वातावरण में रह जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आज आपकी से बातें करके और आपकी रचनाएं सुनकर के, गज़ल और कविताएँ सुन कर के, जो खुशबू हमारे दर्शकों ने ली और हम लोगों ने जो ली, वो हमारे मनों में बहुत बहुत देर तक रह जाने वाली है और बहुत देर तक हमें रास्ता दिखाने वाली है। मेरा एक शेर है, वो गज़ल पंकज उदास जी ने गाई भी है, तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, मेरी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकानों तक। और इसमें जो आप खुशबू की बात कर रही थी तो वो यूँ है कि हर वक्त फिजाओं में महसूस करोगे तुम, हर वक्त फिजाओं में महसूस करोगे तुम, मैं प्यार की खुशबू हूँ महकूंगा जमानों तक। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपने इसका हमारा जो बैठक थी ख़ास तौर से इस टीवी के लिए, क्योंकि समय की हमारे पास सीमा रहती है, मन तो कर रहा है कि बहुत देर तक आप लोग आपसे बात करते रहें और मानुषी से भी बात करें, क्योंकि मानुषी इतनी अच्छी शायरा हैं, नवगीत लिखती हैं, कहानी आलेख और सब कुछ, लेकिन बातचीत के लिए एक हमारे पास निश्चित समय है, तो फिर हम कभी ऐसे बैठ पाएंगे। शैलजा, मुझे आपने इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए जी, और मैं यहाँ टैग टीवी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आप दोनों का बहुत धन्यवाद, टैग टीवी का बहुत धन्यवाद, और ये भी बड़ा मुझे इनोवेटिव लगा कि आप दोनों ने मुझसे बात की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे पूरा विश्वास है कि ये कार्यक्रम बहुत देर तक आपके मन में दिमाग में गूंजता रहेगा, और जो आज बातें हुई हैं उन सब से हम प्रेरणा लेकर हमारे भीतर के छिपे रचनाकार को उभार कर, मांझ कर, सजा कर हम लोग भी आगे लाने की चेष्टा करेंगे। तो दर्शकों, आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। जहाँ पर भी आप हैं, जैसे हैं, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें, और फिर आपसे मिलना होगा। आज के लिए यहीं पर ये समाप्ति। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।